हमारे इस अतरंगी दुनिया में हर समय लाखों घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनमें से हजारों घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा घटनाएं चुन चुन कर हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपका मनोरंजन होने के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ता है। इस पर अब तक हमने 12 पार्ट्स बनाए हैं। आज एक बार फिर से आपके प्यार, सपोर्ट और पार्ट 13 की मांग को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉटन कैमरा वीडियो का पार्ट 13। 4 जुलाई 2021 को अमेरिका के एरिजोना में स्थित फिनिक्स में बेसबॉल मैच चल रहा था। मैच के दौरान एरिजोना डायमंडबैक्स के एक प्लेयर ने होम रन लगाई और बॉल स्टेडियम में खड़े उनके एक फैन की तरफ गई, जिसके एक हाथ में बच्चा और दूसरे में बियर का ग्लास था। लेकिन ये जनाब ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर से भी ज्यादा हरफन मौला निकले। इन्होंने एक डैड का, एक फैन का और एक बियर पसंद शख्स का रोल बखूबी निभाया और अपने बच्चे को छोड़ बॉल कैच की और मिड एयर में ही शानदार रिफ्लेक्स दिखाते हुए बच्चे को भी वापस थाम लिया, और इस दौरान दूसरे हाथ में मौजूद बियर को भी गिरने नहीं दिया। मल्टीटास्किंग का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही देखने को मिले। आज तक आपने विज्ञापन करने के कई अनोखे तरीके देखे होंगे, लेकिन जनवरी 2020 के दौरान बीबीसी ने अपने प्रोग्राम ड्रैकुला के लिए एक बड़ा ही अनोखा एड बिलबोर्ड लगवाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये तो हम सब जानते हैं कि ड्रैकुला रात में बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार है ये बिलबोर्ड। दिन में जितना सिंपल और फालतू सा दिखता है, रात ढलने के बाद उतना ही ज्यादा डरावना बन जाता है, क्योंकि बिलबोर्ड में लगे स्टैक्स और लाइटिंग की अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी कि रात के समय में ये ड्रैकुला की परछाई बनाने लगती। वेल डन बीबीसी, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। अब तक हमने बाज के अनेक बॉडी फीचर्स आपको दिखाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लाल पूंछ वाले बाज हवा में उड़ते हुए एक जगह स्थिर रहकर शिकार ढूंढ सकते हैं? जैसा कि आप हाल ही में मई 2021 के दौरान इंग्लैंड के नॉरफॉक में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देख पा रहे हैं कि कैसे कैस्ट्रल प्रजाति का फाल्कन हवा में अपने शरीर को संतुलित किए हुए है, अपने शरीर को बिना हिलाए अपनी तेज नजर शिकार पर गड़ाए हुए हैं। दुनिया भर में अक्सर ऐसे नजारे देखने को मिलते रहते हैं, जिनमें बाज आसमान में एक जगह स्थिर होकर शिकार की तलाश करते हुए पाए जाते हैं। वहीं अब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ये ही ऐसा कर सकते हैं, तो जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में ऐसे और भी कई पक्षी मौजूद हैं, जो अपने आप को इस तरह से संतुलित करके एक जगह पर रख सकते हैं। इनमें से एक तो हम आपको एक वीडियो में विस्तार से समझा भी चुके हैं। 6 जुलाई 2021 को ओडिशा के चंद्रशेखरपुर में दो लेडीज एटीएम से पैसा निकालते हुए बिना एटीएम का दरवाजा बंद किए हुए बातें कर रही थी। तभी एक चोर आया और पहली महिला द्वारा निकाल कर पर्स में रखे 40,000 झपट कर मेहनत की कमाई लेकर रफू चक्कर हो गया। उन्होंने इसका पीछा किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार तेलंगाना के मदीरा में दो चोर एटीएम में घुस गए। पहले उन्होंने एक सीसीटीवी को ठिकाने लगाया और चोरी करने में जुट गए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे सीसीटीवी के कारण वो मुंह छुपाते दिखे और वहां से भाग गए। खैर ये कहना गलत नहीं होगा, एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई कम होती जा रही है, ऊपर से इन जैसे चोरों का डर अलग। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ऐप जहां न केवल आपके फंड डिजिटली सेफ रहेंगे, बल्कि आप अपने कैपिटल को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोइन स्विच कुबेर ऐप, जिसके जरिए आप बिटकॉइन के साथ साथ 75 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और केवल 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इस ऐप का यूजर इंटरफेस खाना या फिर कैब बुक करने जितना आसान होता है। यहाँ पर आप सुपर फास्ट KYC के साथ साथ आप इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। पिछले एक साल में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ रजिस्टर किया है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और अधिक जानना है, तो आप इनके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करने पर आपको मिलेगा 50 रुपए का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री, तो ट्रेड कर बेफिकर। यूट्यूब चैनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हम हवा में पानी को गिराएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों का पालन करते हुए नीचे गिर जाएगा, लेकिन स्पेन के आर्गंडा डेल रे में रहने वाले एक शख्स ने पानी की बूंदों को हवा में ठहराने का कारनामा करके दिखाया। इन जनाब ने इंजेक्शन की मदद से हवा में पानी की कुछ बूंदे गिराई, लेकिन ये बूंदे नीचे गिरने के बजाय हवा में उसी जगह पॉज होकर ग्रेविटेशनल फोर्स को मात देते हुए दिखाई पड़ती हैं। दरअसल ये कोई मैजिक नहीं बल्कि साइंस का कमाल है। इस प्रक्रिया को अकॉस्टिक लेविटेशन कहते हैं, जिसकी मदद से मैटर को हम हवा में बैलेंस या ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, जिसके नीचे और ऊपर स्पीकर्स फिट किए जाते हैं,
जिनसे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पर साउंड वेव निकाली जाती है जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन उस डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करती है और एक ऐसा स्टेट तैयार करती है जो चीजों को एक जगह पर ठहराने का काम कर सकती है, या फिर ऊपर और नीचे लगे स्पीकर से इनकी फ्रीक्वेंसी बदल कर ही कारनामे किया जा सकते हैं। कहीं इसी टेक्नोलॉजी से पत्थर ऊपर पहुंचाकर मिस्र के पिरामिड तो नहीं बनाए गए थे? बंदर अपनी हरकतों से हमेशा हमें हैरान करते आए हैं। ऐसा एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति बंदर माँ और उसके बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बंदर माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई उसके बच्चे का वीडियो बनाए। ऐसे में उसने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स का हाथ पकड़कर छटकते हुए दूर जाने की चेतावनी दे दी। गॉटाना कैमरा सीरीज के पार्ट 7 में हमने आपको दिखाया था कैसे कुत्ता और तेंदुआ कई घंटों तक बाथरूम में एक साथ रहने के बाद भी कुत्ता चमत्कारी ढंग से जिंदा बच निकलता है। कुछ इसी प्रकार अगस्त 2017 के दौरान उत्तराखंड के रानीखेत के पास स्थित मटेला में भी एक भूखा तेंदुआ ग्रीन वैली रेस्टोरेंट के बाथरूम में कुत्ते के पीछे घुस गया और दोनों लगभग 4.5 घंटे बाथरूम में फंसे रहे, लेकिन खुशकिस्मती से तेंदुए ने यहाँ भी कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर, इनके ऐसा करने की वजह क्या रही होगी कमेंट पर आप बताइए। अपनी मुसीबत को किसी और के सर मढ़ना कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, लेकिन मई 2021 के दौरान रूस में किसी जगह रिकॉर्ड हुए इस क्लिप में आज देख भी लीजिए। क्लिप में आप देखेंगे दो लड़के एलिवेटर में घुसकर बचकानी हरकतें करते हैं और मिरर पर मुक्के मारने लगते हैं, जिसके चलते मिरर टूटकर उनके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन इन दोनों ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक डंडे से अटकाकर छोड़ दिया और भाग निकले। लेकिन उसके बाद आए शख्स ने जब इसे हिलाया तो मिरर उसके ऊपर गिर जाता है। वो तो शुक्र है सब सीसीटीवी में कैद हो गया और उनकी करतूत सामने आ गई। मई 2021 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की रहने वाली जैन ब्लैक्सलैंड नामक एक युवती जिसके घर के सीलिंग में एक छेद हो गया था जहां से एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ रहा था। ये जीव देखकर जैन एक बार के लिए तो घबरा गई, लेकिन कुछ देर बाद जब इस जीव ने छत से अपना हाथ बाहर निकाला तो जैन को पता चला कि ये एक पोसम है। अब सच्चाई सामने आने के बाद जैन ने पोसम को खाने के लिए कुछ चीजें दी और उसका वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड कर दिया। आपको जानकर हैरत होगी कि जैन पोसम को खाना खिलाते हुए जैन का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसे 27 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। जंगली सुअर शहरी सुअरों से कहीं ज्यादा ताकतवर और आक्रामक होते हैं, जिसका नमूना जुलाई 2020 के दौरान अमेरिका के हवाई में जंगलों में घूमने आई इन लड़कियों के साथ हुई घटना में देख सकते हैं, जहां एक जंगली सुअर ने लड़कियों के ग्रुप में से सिर्फ एक लड़की को चुना और उसे पेड़ पर टंगा कर दम लिया। आज तक आपने कई खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में सुना या इन्हें देखा होगा, लेकिन अजरबैजान के बाकू में एक ऐसा रेलवे ट्रैक बना है जो अंदर बैठे लोगों की बजाय सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए खतरनाक है। यहाँ दरअसल 7-लेन हाईवे के बीच से होकर ट्रेन ट्रैक्स बनाए गए हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यहाँ ट्रैक्स के लिए ना कोई गेट लगाया गया है ना ही कोई वार्निंग साइन। यहाँ बस कोई सेफ्टी है तो बस ये ट्रेन आते समय आपको हॉर्न देते हुए आएगी, आपको बस वही सुनकर गाड़ी रोकने का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेन आते समय अगर आपने एसी और तेज म्यूजिक चलाकर खिड़की बंद की हुई है तो फूटी आपकी किस्मत। कुछ इसी प्रकार थाईलैंड के बैंकॉक के पास स्थित स्मूथ सांखरम में एक रेलवे ट्रैक है जिसे मीकलोंग रेलवे मार्केट नाम से जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें, मार्केट थाईलैंड का सबसे बड़ा फिश और फ्रूट मार्केट भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मीकलोंग रेलवे मार्केट को अपनी इस खूबी की बजाय इस रेलवे ट्रैक पर होने के चलते जाना जाने लगा। दरअसल ये मार्केट सन 1950 से पहले भी यहाँ बना हुआ था, लेकिन 1950 में सरकार ने मार्केट के बीच से ट्रेन गुजारने का फैसला किया, मगर यहाँ के दुकानदारों ने अपनी जगह छोड़ने के बजाय ट्रैक के ऊपर ही अपना कारोबार जमाने का फैसला कर लिया और उस समय से आज तक ये दुकानदार हर दिन 8 बार ट्रेन का हॉर्न सुनकर अपना धंधा उठाते हैं और तुरंत वापस लगाते हैं। कर्नाटक के दांदेली में स्थित कोगिलबन गांव में उस समय खौफ और उत्सुकता का माहौल पैदा हो गया जब नदी से निकलकर सड़कों पर हाल ही में 1 जुलाई 2021 के दिन विशालकाय मगरमच्छ तफरी करता पाया गया। देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई इंस्पेक्शन चल रहा है, अफसर आगे आगे और जनता पीछे पीछे। गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी भी इंसान या मवेशियों पर हमला नहीं किया और जल्द ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई,
जिन्होंने उसे पकड़कर पास ही में मौजूद नदी में वापस छोड़ दिया। मई 2020 के दौरान ईरान के मस्जिद सोलेमेन में एक व्यक्ति एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने गया, लेकिन तभी उसके पास में जमीन से कीमती ऑयल का एक फव्वारा छूट पड़ा। खैर, उम्मीद करते हैं अमेरिका को ये बात पता न चले। बच्चे बेहद ही नादान होते हैं, लेकिन जिसके भी बच्चे हैं, ईश्वर उन्हें इस सदमे से उभरने की शक्ति देना। सोचिए आप घर आए और देखें कि लैपटॉप, आईफोन, कैमरा आदि बाथरूम में टब और टॉयलेट के भीतर हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उम्मीद है इन्हें सफाई करने को तो नहीं बोला होगा ना आपने। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर रजिस्टर करें और पाए 50 रुपए का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 13 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 14 जरूर लिख दें।